गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या स्टाइल्स। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स हॉल, और यू कैन से मिंत्रा मस्ट हैव फॉर दिस हॉल, क्योंकि समर्स आने वाले हैं और मेरा समर्स में मोस्ट कंफर्टेबल एंड गुड टू गो आउटफिट होता है एक ट्राउजर और लूज एक टी शर्ट डाल के आप कहीं भी जा सकते हो। ज़्यादा एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं होती है। वैसे तो आप ड्रेसेस भी डाल सकते हो, बट मैं उतने आई एम नॉट अ वेरी ड्रेस काइंड ऑफ अ गर्ल, तो मेरे को ट्राउजर और टी शर्ट बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स मैंने लिए हैं मिंत्रा से, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मेरी ये चॉइस पसंद आने वाली, क्योंकि मुझे तो ये सारे ट्राउजर्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। थोड़ा सा साइज का इशू है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिंत्रा से आप इजीली एक्सचेंज रिटर्न कर सकते हो, तो साइज का थोड़ा बहुत इशू है, वो मैं देख लूँगी। बाकी बहुत ही अच्छी मतलब इनकी फैब्रिक क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और हमारे आज के हॉल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ पर है कुछ 4 से 5 पैकेट, और वैसे मैंने इनको खोल करके देख लिया है बिकॉज ऑफ साइज वगैरह का था, तो मैंने इसे खोल के देख लिया है। तो चलो मैं दिखाती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैंने लिए है ये एक डेनिम जीन्स। तो डेनिम जीन्स मतलब आपके पास मुझे लगता है कि एक कितना भी फैशन आउट हो जाए, लेकिन एक दो तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि वो हर एक मतलब टॉप टॉप के साथ में, हर टी शर्ट साथ में आराम से चली जाती है और बहुत ही कंफर्टेबल भी लगती है। तो मैंने यहाँ पर एक काफ़ी लूज सी बैगी सी, जिसका काफ़ी जो वाइड बॉटम वाली है ना, वो मैंने जीन्स ली है इस बार। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है यार, मतलब इतनी ये इसका जो फैब्रिक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे मोटा वाला डेनिम नहीं है कि आपको बहुत मोटा फील हो रहा, नहीं बहुत ही हल्का सा डेनिम। देखो आप देख सकते हो एकदम कपड़े वाला इसका डेनिम है और काफ़ी लूज बैगी सी है, तो काफ़ी एयरी है, हवा जाती रहती है। फुल लेंथ की है, मैंने कुछ ट्राई ऑन वगैरह सूट किए हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। मैंने मेरे यहाँ पर साइज 30 लिया है, बट स्टिल मुझे कुछ कुछ लूज़ हो रहा है, इसलिए मैंने बोला था कि मुझे साइज का थोड़ा सा इशू है। तो फर्स्ट मेरी है ये डेनिम जीन्स, सेकेंड दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सेकेंड मैंने यहाँ पर लिया है ये ट्राउज़र। वाह, मतलब कि ये इतना मुझे अच्छा लगा ना, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। ये एकदम कार्गो टाइप वाला है, ऑलिव ग्रीन, मतलब कि इतना कलर ऐसा है कि कभी कभी भी मतलब आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हो सकता है। आप कभी भी पहनो इसको, दिन रात कहीं पर भी पहनो, शॉपिंग के लिए जा रहे हो, लंच वगैरह के लिए जा रहे हो, कैफे वगैरह जा रहे हो, कहीं के लिए भी आप जाओ घूमने वगैरह के लिए, तो भी बहुत और इतना कम्फर्टेबल है ना। तो ये आप देख सकते हो आराम से, खूब सारी इसमें पॉकेट्स हैं, ये अच्छी बात होती है हमारे पैंट्स की, ट्राउजर्स की, इसमें पॉकेट्स मिल जाती हैं आपको कार्गो पैंट्स में अच्छे से। इसमें भी जो मैंने मेरा साइज लिया है वो 30 लिया है, और ये दिस इज ब्रांड फ्रॉम टोक्यो टॉकीज। टोक्यो टॉकीज के ऑलरेडी आपने लोगों ने देखा होगा पैंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ट्राउजर वगैरह, टी शर्ट वगैरह। तो सेकंड मैंने ये ट्राउज़र लिया है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका जो फिट आया है ना, आप इसके साथ में कोई भी ब्लैक क्रॉप टॉप या टैंग या टैन या ब्राउन टैंग टॉप कुछ भी स्टाइल करो ना, बहुत ही अच्छे से उभर के आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जो फिट है, कॉम्बिनेशन जो बनता है, कलर कॉम्बिनेशन, आई जस्ट लव इट। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये लैवेंडर कलर का ट्राउज़र। मैंने ना इस ट्राउज़र को बहुत टाइम पहले देखा था, तो मेरा काफ़ी टाइम से लेने का मन था, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये आउट ऑफ कम्फर्ट वाला कलर तो नहीं हो जाएगा, बट मन था मेरा कुछ ऐसा ट्राई करने का, इसलिए मैंने इस बार सोचा कि चलो कुछ ट्राई करते हैं ऐसा। वरना मैं यूजुअली ऐसे ब्लैक या डेनिम में चली जाती हूँ, सेफर जोन में, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है, बट मेरा मन था कि थोड़ा कुछ अलग से ट्राई करूँ, तो ये मुझे मिल गया। मतलब काफ़ी टाइम से मैंने इसको कार्ट में भी कर रखा था, तो फाइनली मैंने इसको ले लिया है, और ये काफ़ी अच्छी फिट है इसका, मतलब बहुत ही जो ट्रेंडी वाले ट्राउजर्स आप लोग देखते हो ना, अच्छी खासी इसकी पॉकेट्स मिल जाती हैं कार्गो वाला एकदम से। ये देखो ऐसे कलर वगैरह भी बहुत ही सुंदर है, पहनने पर ये और भी ज़्यादा अच्छा आता है। इसमें भी अगेन मेरा जो साइज़ है वो 30 है, और ये ब्रांड कोई स्ट्रीट 9 आप लोगों ने सुना होगा उसका ये है। मैंने इसमें साइज़ 30 लिया, लेकिन मुझे हल्का सा ये लूज़ हो रहा है, तो मैं इसको एक्सचेंज करके 28 लूँगी, क्योंकि हल्का सा मुझे यहाँ से लूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें कहीं बैक पर इलास्टिक नहीं है, पूरा ऐसे बैंड जो प्लेन होता है ना वैसा है, तो मुझे हल्का सा ये लूज़ हो रहा है, तो मैं इसको चेंज करके 28 साइज़ लूँगी। फैब्रिक वगैरह काफ़ी अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि 100% कॉटन है, तो ये काफ़ी ब्रीदेबल भी है, ऐसा नहीं है कि इसको पहनने के बाद में आपको गर्मी लगेगी, बहुत फिटेड सा हो रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी बैगी स्टाइल में लूज़ वाले लिए हैं, तो एयरी भी रहते हैं गर्मियों में खास तौर से,
तो मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया है। आप अगर कुछ ट्राई करना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने लिया है ये एक ब्राउन कलर का ट्राउजर। ये भी काफी ज्यादा ट्राउजर में आप समझते हो ना काफी लूज बैगी से रहते हैं, पैंट जैसे एकदम खुले खुले से बहुत ही एयरी, मुझे थोड़े से ढीले जैसे थोड़े लूज वाले ज्यादा सही लगते हैं। और ये बहुत ही प्यारा कलर है, इसके साथ में भी आप ब्लैक कलर की टॉप वगैरह को स्टाइल करोगे क्रॉप टॉप में, व्हाइट कलर के साथ में स्टाइल करोगे बहुत ही अच्छा लगेगा। और गर्मियों में स्पेशली ये कलर्स काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें भी मैंने मेरा साइज 30 है और ये मास्ट एंड हबर का है, इसे याद दे सकते हो। और इसका भी जो प्राइस है इनके MRP तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट ये उतने का नहीं था, मुझे उतने का नहीं पड़ा है। ये भी काफ़ी अच्छा लुक आता है पहनने के बाद में, इसका भी जो फिट और स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और साथ ही में ही ये जो सारे फैब्रिक है ये 100% कॉटन है, तो काफ़ी मोटा मटेरियल नहीं, जैसे ये मोटे वाले होते हैं ना वैसा नहीं है, काफ़ी हल्का कॉटन वाला फैब्रिक है तो ब्रीदेबल रहता है, तो गर्मियों में पहनने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बहुत आरामदायक होते हैं इस तरीके के ट्राउजर्स। तो समर्स के लिए आप कुछ ढूंढ रहे हो, आपको ड्रेस उतनी नहीं पसंद है क्योंकि ड्रेसेस में सोचना पड़ता है यार वैक्सिंग है कि नहीं है, एक्सेसरीज कब देखना पड़ता है, बट ट्राउजर्स और टी शर्ट में कुछ नहीं देखना पड़ता है, बस ट्राउजर डालो टी शर्ट डालो और बस चलते बनो, तो आप कंसीडर कर सकते हो। इसमें भी मैंने 30 लिया है बट इसका भी मुझे थोड़ा सा लूज हो रहा है, इसमें पीछे हल्की सी इलास्टिक दी हुई है वो थोड़ा मुझे सही आ रहा है 30 साइज के, लेकिन जिसमें ये सब प्लेन सा है वो मुझे थोड़े से लूज हो रहे हैं। तो अगर आप कुछ मेरे जैसे हो तो एक बार साइज आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आपको बार बार एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुझे साइज का इशू लगा वैसे, क्योंकि मेरे आराम से 30 आ जाता है, लेकिन इसमें मुझे इस बार थोड़ा सा ये लूज हुआ है, तो साइज का आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना, साइज चार्ट को अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद आप ऑर्डर करना, तो आपको बार बार एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही था मेरा आज का मिंत्रा शॉपिंग हॉल। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया हो तो गिव अ बिग थम्स अप। और सबसे अच्छा ट्राउजर आप लोगों को कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। सारे लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी, तो अगर आपको कुछ चाहिए हो कुछ शॉपिंग करना हो तो आप लोग वहां से बाय कर सकते हो लिंक पर क्लिक करके। तो मिलती हूँ आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।